हेलो दोस्तों, आज फाइंड कमांड का यूज तो पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज करेंगे फिल्टर फिल्टर कमांड का यूज कैसे करते हैं। जैसे हमारी आर एफ आई है, जुलाई मंथ की आर एफ आई है, तो अपन को इस आर एफ आई है कौन कौन सी एक्टिविटी हुई है, एफ डी टी हुई है, सेकेंड इमेजमेंट सेकेंड लेयर की या स्क्रिफाइंग की चाहिए, किसकी कौन कौन सी हुई है, जिसको फिल्टर करना है वो किसे करेंगे। अपन को देखना है ओनली सबग्रेड की आर एफ आई देखनी है अगस्त में, सॉरी जुलाई में, जुलाई मंथ में सबग्रेड की आर एफ आई कौन कौन सी है। तो अपन लगाएंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे हेडिंग को, फिर फिल्टर कमांड पे गए, फिल्टर का क्लिक कर दिया, फिर ऑप्शन आ जाएगा किसके अकॉर्डिंग करना है, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग करना है, डेट के अकॉर्डिंग करना है, आरएफआई नंबर के अकॉर्डिंग करना है, चिन्हित के अकॉर्डिंग करना है, साइड के अकॉर्डिंग करना है। तो अपन तो सबग्रेड चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन वो वर्क के अकॉर्डिंग करना है, इस पर क्लिक किया, इसको हटा दिया। किसकी चाहिए, अपन को चाहिए WMM के, देखते हैं WMM टॉप की ओनली, इस पे क्लिक करके ओके कर देंगे, ओनली ये WMM की दिखाएगा, फिर इनका प्रिंट ले सकते हैं। अगर ये अपन को और भी चाहिए, सबग्रेड की चाहिए, तो इस पे क्लिक कर दिया तो सबग्रेड की भी इंक्लूड हो जाएगी। ओके दोस्तों, इसी प्रकार कोई और चाहिए तो उसे भी क्लिक कर दो। जैसे अपन को पाइप कलर वाली डालनी है, ये चेक करनी है, तो इस पे कर सकते हैं। पाइप कलर का काम हुआ है क्या, कहीं कलर वाले का पता चल जाएगा। ओके दोस्तों।